जय श्री कृष्णा, मैं हूं निगम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अनसकड़ी की सामग्री आम रस की बूंदी सिद्ध करवे की रीत देखेंगे। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी को ज़्यादातर सभी उत्सवों पे खुली बूंदी की सामग्री आरोगाई जाए। अभी उष्णकाल चल रहे है तो हम आम रस की बूंदी सिद्ध करेंगे। कल स्नान यात्रा को उत्सव है तो स्नान यात्रा से रथ यात्रा तक सभी भोग में श्री प्रभु को आम की सामग्री विशेष रूप से आरोगाई जाए। आम रस की बूंदी सिद्ध करवे के लिए 3/4 कप बेसन लिया है, जिसको हम चने का आटा भी कहते हैं। 1 कप पके आम का पल्प लिया है। अभी मैंने हाफूस आम का पल्प लिया है, आप केसर आम का भी पल्प ले सकते हो। 2 चम्मच मोयन के लिए घी लिया है। 1 कप चीनी यानी कि खांड ली है। आवश्यकता अनुसार जल लिया है। 2 चम्मच जितना दूध लिया है। जल में घुला हुआ थोड़ा केसर लिया है। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर लिया है और सजावट के लिए थोड़े बादाम के स्लाइसेस लिए हैं। तो बूंदी सिद्ध करवे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में 1 कप पके आम का पल्प पधरावे और उसमें 3/4 कप बेसन पधरावे। अब आम रस और बेसन को बीटर की मदद से अच्छे से मिला ले, उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब उसमें 2 चम्मच घी पधरावे और अच्छे से मिला लें। जब भी आप बूंदी सिद्ध करो तब जो बैटर तैयार करो वो ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आप उसमें जल या दूध पधरा सकते हो। तो बूंदी सिद्ध करवे के लिए बैटर तैयार है, उसे ढककर आधे घंटे के लिए रखें। तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए गैस पर एक पात्र रखें और उसमें 1 कप खांड पधरावे और खांड डूबे उतना जल पधरावे। उसे लगातार चलाते रहे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब भी आप खुली बूंदी की सामग्री करो तब चाशनी 1 तार से 1/4 तार की ही रखें, ज़्यादा गाढ़ी मत रखें। अगर आपको लड्डू सिद्ध करने हो तो 3 तार से थोड़ी गाढ़ी चाशनी आप कर सकते हो। चाशनी में अच्छे से उबाल आने लगा है। अब हम उसमें 2 चम्मच दूध पधराएंगे। दूध पधराने से जो खांड में अशुद्धि होती है वो सब ऊपर आ जाती है और ट्रांसपेरेंट चाशनी तैयार होती है। तो आप देख सकते हो चाशनी के ऊपर झाग आने लगा है, वो सब अशुद्धि एक चम्मच की मदद से निकाल ले। ऐसा करने से एकदम साफ ट्रांसपेरेंट चाशनी तैयार होगी। अब बूंदी सिद्ध करवे के लिए चाशनी तैयार है। गैस की फ्लेम बंद करें। अब एक कढ़ाई में बूंदी तलने के लिए घी गरम करें। अभी हमने 2 कप जितना घी लिया है। घी अच्छे से गरम हो उसके बाद ही उसमें बूंदी तले। घी गरम हो गया है, अब एक जारा ले और उसके ऊपर तैयार किया गया आम रस और बेसन का बैटर रखे और कढ़ाई में बूंदी तले। अभी हमने रेगुलर जो बूंदी करते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा बैटर रखा है, क्योंकि यह आम रस की बूंदी है। आप पतला रखना चाहो तो भी रख सकते हो। बूंदी तलते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि बूंदी का रंग लाल नहीं हो जाना चाहिए और घी अच्छा सा गर्म रहना चाहिए। अब बूंदी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है।
उसे कढ़ाई में से तैयार की गई चाशनी में पधरावे। जब भी आप बूंदी को चाशनी में पधराओ तब चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तो ही वो बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। इस तरह बाकी के मिश्रण में से भी बूंदी गर्म घी में तले। आपके पास बूंदी का जारा हो तो उससे भी बहुत सुंदर सामग्री सिद्ध होती है। मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, तो इस तरह बूंदी को घी में फ्राई करें और चाशनी में पधरावे। तैयार किए गए मिश्रण में से खुली बूंदी घी में तलकर उसे चाशनी में पधराया है। अब उसमें जल में घुला हुआ केसर पधरावे और आधा चम्मच इलायची पाउडर पधरावे। आप चाशनी तैयार करो तभी केसर पधरा सकते हो। उसे अच्छे से मिला ले। आम रस की बूंदी तैयार है। 3 से 4 घंटे उसे इस तरह चाशनी में रहने दे, तो चाशनी बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद कटोरी में पधराकर श्री प्रभु को भोग धरे। आज हमने आम रस की बूंदी की सामग्री सिद्ध की। अगर आपके पास अनुकूलता हो तो ये सामग्री अवश्य सिद्ध करें और श्री प्रभु को भोग धरे। मैंने ये सामग्री मेरी समझ के अनुसार सिद्ध की है। आप अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर गुरु घर की रीत के अनुसार सामग्री सिद्ध करें और श्री प्रभु को आरोगाए। सभी वैष्णवों को श्री स्नान यात्रा के उत्सव की आगम की खूब खूब मंगल बधाई एवं भगवत स्मरण। इसी तरह श्री ठाकुर जी की सेवा के अनुरूप विविध सामग्री की रीत सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।